शहर भर में जहां हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति या परिवार भूख से परेशान है तो अपने स्वयंसेवकों को साथ लेकर उसकी मदद करते हैं। मदद का यह सिलसिला लॉकडाउन के तीसरे दिन लगातार जारी है। हमें उनकी चिंता भी सता रही है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और इन बेसहारा लोगों को जब राशन कार्ड से अनाज वितरित किया जाएगा तो उन्हें नहीं मिल पाएगा। उनके प्रति हम अभी से सचेत हैं। लॉकडाउन से बीमारी तो रोकी जा सकती है, लेकिन बेरोजगार हुए गरीबों की भूख को नहीं मिटाया जा सकता। गत दिनों बारिश के चलते हमने कामठी रोड पर स्थित साई मंदिर के आसपास के लोगों को भोजन दिया। कमाल चौक, इंदौरा चौक, इसके समीप दुर्गा मंदिर परिसर, अग्रसेन चौक में प्रत्येक भूखे और जरूरतमंदों को भोजन दिया और प्रवासी मजदूरों को चाय, नाश्ता, भोजन का प्रबंध किया। हम चाहते हैं कि यह संकट शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो और इस संकट की घड़ी में दिया जा रहा सहयोग आपसी भाईचारे की बढ़ोतरी का बेहतर उदाहरण है। इस जनसेवा कार्य में हमारे साथ जमीयत उलेमा हिंद और जमाते इस्लामी हिंद के कार्यकर्ताओं के अलावा विभिन्न मुस्लिम संगठनों के कार्यकर्ता साथ हैं। इस अवसर पर शाहिद रंगूनवाला, जावेद अख्तर, वकार अंसारी, सेव एनवायरमेंट ट्रस्ट के शाहरुख अंसारी, मोइन सिद्दीकी, डॉक्टर जुबेर, मोमिनपुरा गाइडेंस सेंटर के इंतजार अनीस, साजिद अंसारी, वसीम अहमद ने विशेष सहभाग दिया। यह जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता टेका निवासी डॉक्टर सरफराज अहमद द्वारा जनसेवा के अंतर्गत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBCN न्यूज।